सर दोस्तों वेलकम बैक टू RSR फाइनेंस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, क्रेडिट एप्लीकेशन में मैं लोन के लिए अप्लाई कर रहा था, तो यहाँ सक्सेसफुली जो है हमें लोन मिल गया है। प्रूफ के साथ आपके साथ आ चुके हैं, आज मतलब आज ही अप्लाई किया और आज ही मुझे लोन मिल गया। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ मैं आप लोगों को, मेरे पास कंपनी वाले का फ़ोन भी आया था, उन्होंने कहा था कि आप यूट्यूबर हो तो कोई बात नहीं, अगर आपके किसी सब्सक्राइबर को लोन चाहिए तो आप मुझे बता देना। अगर किसी को लोन लेना है या लोन के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हो तो भैया मैं पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो चीज़ समझ लीजिए। पहले एप्लीकेशन में चलते हैं हम। अब यहाँ देख सकते हो आउट स्टैंडिंग अमाउंट, मतलब 5780 रुपये की रीपेमेंट ऑटोमेटिकली हो गई है। मतलब अब मैं बता देता हूँ यहाँ पर प्रोसेस, समझ लीजिए ठीक है। पहले तो मैं आपको पूरा डेटा दिखा देता हूँ यहाँ का। यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5780 रुपये हमारे अकाउंट में अभी क्रेडिट कर दिए गए। 3 दिसंबर को ही क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब आज ही क्रेडिट करे गए हैं। साफ साफ देख सकते हो हमारे इस अकाउंट में है। प्रूफ की बात करें तो भैया प्रूफ भी आप देख ही लीजिए। सो दोस्तों यहाँ पर आप प्रूफ देख सकते हो, यहाँ पर 5:25 पर मेरे अकाउंट में क्रेडिट करे गए हैं। अपडेट यू आर 4650 रुपये मेरे अकाउंट में क्रेडिट करे गए हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन है मेरा भी, और यहाँ पे 5700 कुछ रुपये मेरा बैलेंस दिखा रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो भाई आज ही की डेट में आया है बैलेंस, तो यहाँ पर मैं इसको बैक कर देता हूँ और चलते हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन में। देख लीजिए 4650 रुपये की डिस्पोजमेंट थी, यहाँ पर साफ साफ है, और हमारे HDFC बैंक में गया ही है पैसा और आज ही की डेट में मिला, ये हो गया प्रूफ। अब बात कर लेते हैं भैया, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये Part 3 वीडियो है, तो भैया अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अप्लाई कैसे करोगे। मैं यहाँ टेलीग्राम पर आ जाता हूँ भाई। यहाँ पर कुछ स्टेप हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं, ये चीज़ समझ लीजिए। ये चीज़ में मैं भी कन्फ्यूज हो गया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है कंपनी वाले का कॉल आ गया तो डाउट क्लियर हो गया था। डन, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सैलरी स्टेटस की बात करें तो आपको यहाँ बैंक स्टेटमेंट लगाना है, ना कि सैलरी स्लिप देना है ठीक है। और यहाँ यूजर अप्रूवल, मतलब यहाँ सैलरी बैंक स्टेटमेंट जैसे ही अपलोड करोगे फर्स्ट वाले में, आप सैलरी स्टेटस वाले में, तो यहाँ पे आपको अप्रूवल मिलेगी। थोड़ी देर वेट करना होगा, आधे से एक घंटा अप्रूवल मिल जाती है। वीडियो KYC में आप लोगों को कुछ यहाँ स्क्रीन पर शो होगा फ़ोन पर, वो आपको पढ़ पढ़ के बोलना है ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है भाई, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है या इलेक्ट्रिसिटी बिल है या गैस बिल है या ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप यहाँ पे वो एक ही चीज़ अपलोड कर सकते हो, यहाँ वेरिफिकेशन हो जाएगी। अब ई साइन एग्रीमेंट वेरिफिकेशन क्या है, अगर अब देखिए यहाँ पे पहली बात तो आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए इस कंपनी से लोन लेने के लिए। अगर है तो ई साइन एग्रीमेंट आपका होगा आधार कार्ड से ठीक है। आज आपके आधार कार्ड पे एक OTP भेजी जाएगी, उसके बाद ई साइन होगा। उसके बाद NSE फॉर्म वेरिफिकेशन, मतलब NSE फॉर्म कैसे होगा, अगर आपके पास आपके बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड है तो भाई वहाँ पर आप डेबिट कार्ड डाल कर NSE फॉर्म एक्टिव कर सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि भैया अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ डिस्पर्समेंट पेंडिंग स्टेटस हो रहा था, ये चीज़ तो मैंने कंप्लीट कर ली थी आप लोगों के सामने, जब मुझे 12500 रुपये की लिमिट प्रोवाइड की गई थी, लेकिन लिया मैंने 5 कही है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो दोस्तों ये है, देखिए मिलता सभी कंपनी से है, लेकिन मैं अप्लाई नहीं करता। अगर मैं अप्लाई करूं तो दोस्तों मैं लेके ही रहूंगा लोन, जैसा कि आप लोगों को पता ही है मैं अप्लाई नहीं करता, क्योंकि मेरे पास हर वो चीज़ है जो कंपनी को चाहिए होती है, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, एवरीथिंग, कुछ भी बैंक को चाहिए होगा ये कंपनी वालों को, वो सब कुछ मिलेगा, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, सिविल स्कोर भी अच्छा है मेरा, क्रेडिट कार्ड भी है मेरे पास, 3-4 क्रेडिट कार्ड है, बहुत कुछ है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि अगर मैं लोन के लिए अगर अप्लाई करूं तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन यहां कुछ लोगों को नहीं मिल पाता, क्योंकि अगर उनके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो उनके पास नेट बैंकिंग नहीं है। तो ये प्रोसेस है दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर है और आप नेट बैंकिंग यूज करते हो तो भाई यहाँ पर आपको ईजिली लोन मिल जाएगा, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, छोटा सा ही प्रोसेस है। मैंने तो 5780 रुपये का लोन सेलेक्ट किया था, इसलिए मैंने छोटा लोन लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए, वरना मैं चाहूँ तो हाई लोन अमाउंट भी ले सकता था। डन, मैं अभी मैं लूंगा नहीं, अब मुझे जरूरत नहीं है, मुझे नीड नहीं है। अगर आप लोगों को जरूरत है तो भैया पूरी वीडियो देख लेना, Part 1, Part 2, ये Part 3 है, ये वीडियो Part 3 है, तो आप पूरी वीडियो देख लेना, आप समझ जाओगे कि कैसे कैसे अप्लाई होता है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।